हेलो 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 भाई लोग कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारा बिल्कुल नए वीडियो में और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं फ्री फायर के ग्राफिक्स को मतलब कि आफ्टर द अपडेट जो हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन था उसे सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया है पहले ये सिर्फ अल्ट्रा के अंदर था तो आज इस वीडियो में हम सब चीजें कंपेयर करेंगे कि स्मूथ स्टैंडर्ड और अल्ट्रा उसके अंदर भी नॉर्मल एफ और हाई एफ इन सब सेटिंग्स को जब आप अप्लाई करते हो तो एक्चुअली में ग्राफिक में कितने चेंजेस आते

के लिए है मगर आपको इस तरह की एडब्ल्यू एम चलाने के ट्रिक अगर फोन में चाहिए तो कॉमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो वही बना के डाल दूंगा ठीक है तो शुरू करते हैं वीडियो को इस इंटरव्यू के बाद तो गाइज यहां पर सबसे पहले हम लॉबी की बात करते हैं जिसके अंदर एक साइड पे मैंने एफ को नॉर्मल रखा है और तो दूसरी साइड पे मैंने एफ को हाई रखा है तो आप यहां पर स्लो मोशन में एकदम इजीली देख सकते हो कि जो स्लो मोशन वाली लॉबी है मतलब कि लेफ्ट साइड की लॉबी है उसका जो बंदा है मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो काफी ग्लिची दिख रहा है जबकि राइट साइड का जो कैरेक्टर है वो स्मूथ दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में थर्टी फ्रेम पर सेकेंड है मतलब कि एक सेकंड में तीस बार वो रिफ्रेश होता है जबकि राइट साइड में सिक्सटी फ्रेम पर सेकेंड है तो यहां पर अगर आप हाई फ्रेम रेट रखते हो तो आपको गेम एकदम मक्खन देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर एट दी एंड कंक्लूजन यह आता है कि हाई फ्रेम रेट पे ही आपको गेम खेलनी है भले आपको ऊपर का जो सेटिंग है वो लोअर कर देना पड़े तो अब हम आ चुके हैं मैप के अंदर और यहाँ पर मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ स्मूथ के अंदर यहाँ पर मैंने एफपीएस हाई रखी है मतलब अब हम जितने भी सेटिंग देखेंगे उसमें एफपीएस जो है वो हाई पे होगी तो ये एकदम स्मूथ वाला सेटिंग है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि टेक्सचर भी ओके है और कोई भी शेडो या रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है अब हम आ चुके हैं स्टैंडर्ड के ऊपर और यहाँ पर आपको एक एम्बियंट एक एक्लूशन देखने को मिलता है मतलब कि चीज़ के आसपास जो एकदम हल्का सा शेडो मिलता है वो देखने को मिलता है मगर फिर भी एकदम शार्प शेडो नहीं है जबकि हम अल्ट्रा पे हो चुके हैं और यहां पे मैंने सैडो और सब ऑन करके एकदम मैक्सिमम सेटिंग कर दिया है तो आप देख सकते हो कि छोटी सी छोटी डिटेल भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है तो अल्ट्रा सेटिंग में आपका फोन जो है वो मैक्सिमम लोड मतलब प्रोसेसर के ऊपर देता है तो गाइज़ यहां पर हम तीनों के तीनों सेटिंग को साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए एक कंटेनर का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर जो सबसे लेफ्ट साइड में है गाइज वो है स्मूथ उसके बाद सेंटर में है स्टैंडर्ड और राइट साइड पे है अल्ट्रा जिसमें मैंने शेडो और हाई रेजोल्यूशन जो है उसे ऑन करके रखा है तो जो स्मूथ वाला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ थ्री स्ट्रक्चर बनता है और एक बेसिक टेक्स्चर डाल दिया जाता है और नॉर्मली ये सेटिंग जो है वो लोअर डिवाइस वाले लोग यूज़ करते हैं मतलब कि जिनके फ़ोन के अंदर रैम कम होती है और जिन फोन की डिस्प्ले जो है वो कम रेजोल्यूशन वाली होती है तो ये मैं जब रेंडर कर रहा हूं इस तरह के टेक्स्टर दिख रहे शायद आपके फोन के अंदर इससे बेटर क्वालिटी आपको दिख जाए जबकि हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके अंदर थ्री स्ट्रक्चर बिल्ड होता है मगर उसी के साथ साथ एच टेक्सचर भी डाले जाते हैं मतलब कि ये आपको थोड़ा अच्छा दिखता है और टेक्सचर इस तरह के होते हैं जिसके अंदर आपको फील आती है कि शेडो है एक्चुअली में उसके अंदर शेडो नहीं होता है बस वो टेक्सचर जो है उसे इस तरह से बनाए जाते है कि एक साइड डार्क रखी जाती है और एक साइड लाइट रखी जाती है जिससे आपको लगता है कि उसमें रियली really कोई शेडो है मतलब प्रैक्टिकली वहां पे कोई शेडो नहीं होता है वो बस टेक्सचर इस तरह के होते हैं कि वहां पे आपको फील आती है कि शेडो है जबकि एक्जैक्ट राइट साइड की बात करें जिसके अंदर मैंने अल्ट्रा रखा है सब कुछ ऑन कर दिया है तो वहां पर आप देख सकते हो कि रियल टाइम रेंडरिंग हो रहा है मतलब वहां पर शेडो जो है वो ट्रेस हो रहा है एम्बियट एक्लूसन बन रहा है और उसी के साथ साथ पूरा जो सीन है वो एक फिल्टर करके आपको दिख रहा है जिससे आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आती है और इसको हम आगे जब ट्रेनिंग ग्राउंड का जो नया आइलैंड आया है उसके कंपैरिजन में देखेंगे तब आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो गाइज मुझे कमेंट में बता दो कि आपके फोन में कितने जीबी रैम है और आप एक्चुअली में कौन से ग्राफिक सेटिंग पे खेलते हो ताकि मुझे भी पता चले कि भाई बंदे किस लेवल पे खेलते हैं फ्री फायर तो गाइज अब हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के सबसे नए वाले आइलैंड के अंदर और यहाँ पे मैं स्मूथ के रख के मतलब स्मूथ सेटिंग रख के आपको दिखा रहा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एफ हाई रखे है इसलिए आपको मोशन स्मूथ दिख रहा है मगर उसी के साथ साथ सिर्फ थ्री स्ट्रक्चर है यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी शेडो आपको देखने को नहीं मिल रहा है और साइड के जितने स्ट्रक्चर है वो एकदम बेसिक से है मतलब कि एकदम क्लियर नहीं कह सकते आपको मतलब आपको एकदम एचडी सा फीलिंग नहीं आ रहा है बस आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टेक्सचर डाल दिए गए हैं यहाँ पर आपको कोई भी ग्रास नहीं दिख रही है सामने से जो फेरिस विले ना ही उसका आपको शैडो दिख रहा है बस आपको थोड़ा डार्क सैंड्स का फीलिंग आ रहा है तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि लोअर एंड फोन के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो दो जी फोन के लिए ये सेटिंग सबसे बेस्ट रहता है जबकि हम आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर यहां पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट right साइड पे जो चीज़ें हैं खम्बे हैं दुकानें हैं मतलब जो लारी है उन सब के टेक्स्चर बदल चुके हैं और आप देख सकते हो कि काफ़ी एच सा फील आता है मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कलर्स जो है वो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं और उसी के साथ साथ जो टेक्स्चर्स है वो टेक्स्चर आपको दिख रहे है कि हाँ भाई थोड़े एच है हमको थोड़ी फील आ रही है कि यहां थोड़ा क्लियर दिख रहा है ठीक है आप यहां पर नोटिस कर पाओगे कि जो ऊपर लाइट हाउस था उसका टेक्सचर यहां पे आपको एकदम स्लो सा फेड सा शेडो देखने को मिल रहा है जो कि रियल टाइम शेडो नहीं है यह बस एक फोटो सा दे दिया गया है मतलब नीचे की सैंडी इस तरह की है कि आपको ऐसा लगे कि शेडो है तो ये आपको एक फीलिंग दे देता है शेडो की जबकि इस सेटिंग के अंदर ओरिजिनल शेडो जो है वो रेंडर नहीं होता है अब अगर हम अल्ट्रा पे आ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि कैरेक्टर का शेडो नीचे आपको दिख रहा है साइड की जो स्ट्रीट लाइट है उसका शेडो आपको दिख रहा है उसी के साथ साथ जितनी भी और चीजें हैं उन सबका शेडो आपको रियल टाइम में दिख रहा है उसी के साथ जो कैरेक्टर है मैंने जो कैरेक्टर के कपड़े

तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के शूटिंग रेंज के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं स्मूथ पे रखता हूँ तो मेरे को कोई भी डार्क कॉर्नर एम्बी एंड या फिर कोई भी टाइप का शेडो या फिर एच डी टेक्स्चर देखने को नहीं मिल रहा है इवन शूटिंग रेंज भी बहुत वियर सा दिख रहा है अब जब मैं इसको स्टैंडर्ड पर स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे क्लोथ के अंदर मेरे कपड़े में जो स्पेशल इफेक्ट है वो ऑन हो चुकी है उसी के साथ साथ जो साइड के कॉर्नर्स है वो डार्क होने लगे हैं और मेरे को थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ मैं किसी रूम के अंदर खड़ा हूँ और जब मैं इसको अल्ट्रा पे शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एकदम मस्त वाला शेडो रेंडर हो रहा है सामने जितनी भी चीज़ है उसका भी रियलिस्टिक शेडो ऑन हो रहा है तो काफ़ी ओपी दिखता है ट्रेनिंग रूम में और यहाँ पर अगर तीनों को हम साइड बाई साइड रख के कंपेयर करें तो भाई आप देख सकते हो कि स्मूथ के बाद जब मैं स्टैंडर्ड में शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को कितना डिफरेंस दिखता है और अल्ट्रा में तो भाई आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाता है तो कोई बंदा बोला था कि भाई फ्री फायर के ग्राफिक्स खराब है तो भाई ये वीडियो उस तक पहुँचा देना तो गाय अब हम आ चुके हैं फिल्टर के ऊपर तो यहां पर जो पहला सीन है वो विथाउट एनी फिल्टर है आप जब अल्ट्रा में जाते हो तो आपको तीन एक्सटर्नल फिल्टर मिल जाते हैं जिसमें से ये जो था वो नॉर्मल था अब आता है एकदम ब्राइट वाला फिल्टर मतलब इसके अंदर चीज़ आपको एकदम ब्राइट दिखती है और आप देख सकते हो कि सीन जो है वो काफ़ी नेचुरल दिख रहा है उसके बाद ये है एकदम विविड वाला जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है और आपको एकदम पंची दिखता है और उसके साथ जो लास्ट है वो है ओ सीन जिसके अंदर आपको एकदम ब्लूइश वाला फिनिश आता है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी ओ दिखता है ये वाला फिल्टर तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड बी हैप्पी